शाम के वक्त क्रेवल की कार उसके मेंशन के सामने आकर रुकी। क्रेवल की कार रुकने की आवाज कामाक्षी के कानों में पड़ी तो वो हैरान हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो डरने लगी, क्योंकि उसने इस वक्त पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ गंदगी मचाई हुई थी। पूरे हॉल में चिप्स और बिस्किट्स के पैकेट पड़े हुए थे। टीवी पर मूवी चल रही थी। हॉल में अंधेरा हो रहा था। कामाक्षी ने डरते हुए सोफे पर पीछे होते हुए कहा, अब क्या होगा, आज तो ये शैतान मुझे छोड़ेगा नहीं। इसने इतनी गंदगी देख ली तो ये अपने डेविल अवतार में आ जाएगा। कामाक्षी ने डरते हुए अपने आप से कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक सर्द और गहरी आवाज पड़ी। अगर इतना ही डर था मेरा तो साफ क्यों नहीं किया, क्यों इतनी गंदगी कर रखी है। कामाक्षी ने अपनी आंखों को डर से बंद कर लिया और अपने होठों को अपने दांतों तले दबाते हुए खुद से ही मन में बोली, क्या ये डेविल अंधेरे में भी देख सकता है। उसने अभी कहा ही था कि उसके मुंह पर लाइट पड़ी। कामाक्षी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए सामने देखा तो क्रेवल अपने फोन की फ्लैश उस पर डाल रहा था, जिसे देखकर कामाक्षी ने अपना चेहरा फेर लिया और बोली, शैतान कहीं के, आप मेरे ऊपर लाइट क्यों डाल रहे हैं? मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही। क्रेवल ने उसके पास आते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा, मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई, तो तुम्हारी कैसे हो सकती है एंजल? मैं तुम्हें एंजल कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़कर बैठ जाओगी। इतना कहते हुए क्रेवल उसके बिल्कुल पास आ चुका था। क्रेवल की फ्रेग्रेंस कामाक्षी को एक अजीब सा एहसास दिला रही थी। वो क्रेवल के कारण मदहोश हो रही थी, मगर इस वक्त वो उससे ज्यादा डरी हुई थी। क्रेवल कामाक्षी के बिल्कुल करीब आया। उसने अपना फोन साइड में रखा और कामाक्षी के चेहरे पर आते हुए बालों को अपने हाथों से पीछे हटाते हुए बोला, तुमसे क्या कहा था कि रात को आकर मैं तुम्हारे साथ टॉम एंड जेरी खेलूंगा? बोलो, क्या तुम टॉम एंड जेरी खेलने के लिए तैयार हो मेरे साथ? क्रेवल की बात सुनकर कामाक्षी ने अपना स्लाइवा निगला और अपने मन में बोली, क्या ये डेविल मुझे सजा नहीं देगा? मैंने इसका पूरा घर गंदा कर दिया, क्या ये वाकई मुझे कोई सजा नहीं देगा? कामाक्षी अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसने अपने होठों पर क्रेवल के गर्म होठ को महसूस किया, जिसे महसूस कर उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। कामाक्षी ने हल्का सा पीछे होने की कोशिश की, मगर पीछे सोफा था, जिस वजह से वो पीछे नहीं हो सकती थी। क्रेवल ने धीरे धीरे उसके होठों को अपने होठों से स्मूच करना शुरू कर दिया, जिससे कामाक्षी गहरी सांस ले रही थी। उसकी बढ़ती हुई धड़कनें माहौल को बेपनाह मदहोश बना रही थी। क्रेवल का हाथ उसके कंधे पर था, जो धीरे धीरे उसकी गर्दन पर पहुंच रहा था। कामाक्षी का एक हाथ सोफे पर था तो दूसरा हाथ क्रेवल की गर्दन पर धीरे धीरे क्रेवल की गर्दन को दबा रहा था। ये सब कुछ कामाक्षी के मदहोश होने की निशानी थी, जो क्रेवल अच्छे से महसूस कर रहा था। क्रेवल की किस धीरे धीरे डीप किस में बदलती जा रही थी। कामाक्षी के होंठ धीरे धीरे क्रेवल के किस का रिस्पॉन्स दे रहे थे, जो क्रेवल के लिए आगे बढ़ने का इशारा था। क्रेवल ने अपना हाथ कामाक्षी के टॉप के अंदर ले जाकर उसकी बॉडी को सहलाना शुरू कर दिया, जिससे कामाक्षी अंदर तक सिहर गई। वो ये सब कुछ बहुत ही अजीब तरीके से सह रही थी। उसे नहीं पता था कि जो वो कर रही है वो क्या है, क्योंकि वो क्रेवल की हर हरकत का रिस्पॉन्स दे रही थी। उसके होठ उसके काबू में नहीं थे और शायद उसका शरीर भी, जिस वजह से वो क्रेवल के अंदर घुलती चली जा रही थी। क्रेवल ने कब उसे किस करते करते अपनी गोद में उठा लिया, उसे पता भी नहीं चला। क्रेवल के कदम उसके बेडरूम की तरफ बढ़ रहे थे। उसके होठ अभी भी कामाक्षी के होठों पर थे। दोनों बीच बीच में सांसें ले रहे थे, जिस वजह से दोनों की ही सांसें अभी काबू में थी, पर दोनों के होठ बेकाबू हो चुके थे। क्रेवल ने अपने बेकाबू होठों को शिद्दत से कामाक्षी के होठों से मिलाया हुआ था। वो कामाक्षी को लेकर अपने बेडरूम में आया। उसका बेडरूम पूरा ब्लैक था। उसने एक हाथ से कामाक्षी को लिफ्ट किया और दूसरे हाथ से लाइट ऑन की। लाइट जलते ही पूरे कमरे में रोशनी फैल गई और कमरा बेपनाह खूबसूरत था।
कमरे की खूबसूरती इस पूरे मेंशन की खूबसूरती से कई गुना ज्यादा थी। कामाक्षी क्रेवल की किस्में इस तरह खोई हुई थी कि उसे खबर ही नहीं थी कि वो क्रेवल के साथ कमरे में आ चुकी है। क्रेवल ने जब उसे बेड पर लिटाया तब उसे होश आया। उसने आज से पहले ना तो इतना खूबसूरत मेंशन देखा था और ना ही इतना खूबसूरत कमरा। कामाक्षी ने धीरे से कहा, ब्यूटीफुल, जिसे क्रेवल के कानों ने सुन लिया था। उसने धीरे से उसके करीब आकर अपनी सांसें छोड़ी और बोला, ब्यूटीफुल तो है, मगर इसकी ब्यूटी तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है एंजल। तुम तो वो हो जिसे एक नजर देखने के बाद ही मैं तुम्हारा दीवाना बन गया। इतना कहकर उसने कामाक्षी की गर्दन पर धीरे से अपने होंठ रख दिए, जिसे महसूस कर कामाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने हाथ में ब्लैंकेट भर लिया और अपने होंठ अपने दांतों तले दबा लिए। कामाक्षी इस वक्त पूरी तरह से क्रेवल के अंडर में थी। क्रेवल ने धीरे धीरे कामाक्षी की गर्दन पर होंठ चलाते हुए उसकी शर्ट हल्की हल्की नीचे करनी शुरू की, जिससे कामाक्षी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और अपने हाथ क्रेवल की चेस्ट पर रखकर उसे धक्का देकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? कामाक्षी के अचानक इस तरह धक्का देने से क्रेवल संभल नहीं पाया और बेड की दूसरी तरफ हो गया, जिस वजह से उसकी आंखें गुस्से से भर गई। आज तक किसी ने क्रेवल के सामने बगावत नहीं की थी और ये लड़की उससे हर बार झगड़ती है। क्रेवल ने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंजल मुझे धक्का देने की? कामाक्षी ने अपना सलाइवा कटका, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। क्रेवल की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, उसकी आवाज सर्द थी, जिसे महसूस कर कामाक्षी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, वो कुछ नहीं, वो आप मेरे करीब आ रहे थे तो मैं आपको। इतना कहकर कामाक्षी रुक गई। उसकी आवाज में डर झलक रहा था, जिसे महसूस कर क्रेवल का गुस्सा जैसे कहीं गायब हो गया। वो एकदम से कामाक्षी के करीब आया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। कामाक्षी ने इस एहसास से अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके लिए ये सारे एहसास बिल्कुल नए थे, जिन्हें महसूस कर पाना कामाक्षी के लिए आसान था, मगर उन्हें जान पाना आसान नहीं था। क्रेवल ने कामाक्षी को धीरे से देखा, जिससे उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वो कामाक्षी के बिल्कुल करीब गया। उसने कामाक्षी के कानों पर अपनी सांसों को छोड़ते हुए कहा, आइंदा जब मैं तुम्हारे करीब हूँ तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना एंजल, वरना मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे रहम करना नहीं आता, मुझे वो लोग भी बुरे लगते हैं जो किसी पर रहम करते हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरे अंदर के शैतान को ना जगाओ, वरना तुम मुझे डेविल कहती हो ना तो मेरा डेविल अवतार देख लोगी। इतना कहकर उसने कामाक्षी के गालों पर अपने होंठ रख और बारी बारी उसके गालों को किस करके उसे हल्का सा दूर हुआ और अपने कोट के बटन खोलता हुआ बोला, मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ शावर लेकर। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो तुम्हें याद होगा कि तुम मुझे डेविल कहती हो। इतना कहकर क्रेवल बिना उसकी बात सुन चुपचाप बाथरूम में चला गया और कामाक्षी ने अपने पैरों को बेड पर मारते हुए कहा, हर वक्त मेरे होठों को किसी कैंडी की तरह चूमता रहता है। अरे अब इसे कोई समझा भी तो नहीं सकता कि मेरे होठ हैं कोई मिठाई नहीं, जिन्हें वो हर वक्त चखता रहता है। कामाक्षी को अब नींद आ रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे क्या है, शावर लेने गया है तो जाए, मैं तो सो जाती हूँ चुपचाप। इतना कहकर कामाक्षी ने अपने आप को पूरा ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसने साइड से ब्लैंकेट को अपने नीचे दबा लिया और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोली, हाँ हाँ कीमू, ये ठीक रहेगा, वो तेरे करीब नहीं आएगा, चाह कर भी ये ब्लैंकेट तेरी रक्षा करेगा। इतना कहकर कामाक्षी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और ये सब कुछ क्रेवल बाथरूम से होता हुआ देख रहा था। उसके होठों के कोने अपने आप ही मुड़ गए, क्योंकि कामाक्षी इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी।
अगले ही पल उसने अपनी आंखों को सख्त किया और अपने सर्द लहजे में बोला, तुम्हें क्या लगता है एंजल कि ब्लैंकेट तुम्हें मुझसे बचा सकता है? चलो देखते हैं। इतना कहकर क्रेविल ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और शावर ऑन कर लिया। क्रेविल बाथरूम से बाहर आया, उसने देखा कामाक्षी अभी भी अपने आप को ब्लैंकेट से पूरा कवर किए हुए लेटी हुई थी। कामाक्षी को देखकर क्रेविल के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, सिलीगर मुझसे बचने के लिए कैसे कैसे तरीके अपना रही है, पर आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। इतना कहते हुए क्रेविल ने टावल को सोफे पर डाला और बेड की तरफ बढ़ गया। उसके आने का एहसास कामाक्षी को महसूस हो रहा था, जो ब्लैंकेट में लिपटी हुई अपनी आंखें खोलकर क्रेविल के पास आने को महसूस कर रही थी। उसने अपना स्लाइवा कटका और बोली, ये तो मेरे पास आ रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? एक काम करती हूँ, सोने का नाटक कर लेती हूँ। इतना कहकर कामाक्षी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। क्रेविल कामाक्षी के पास आया, वो बेड पर बैठा और धीरे से कामाक्षी के ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर कामाक्षी ने ब्लैंकेट को अच्छे से पकड़ा था, जिस वजह से वो ब्लैंकेट को हटा नहीं पाया। क्रेविल ने धीरे से मुस्कुराकर अपने मन में कहा, मुझसे बचने की जितनी भी कोशिश करोगी हमेशा हार जाओगी, दूर जाना चाहोगी मुझसे, पर हर बार मेरे करीब आओगी। है ही नहीं कोई रास्ता जिस पर अक्स मेरा ना हो, आईना भी देखोगी तो खुद में मुझे ही पाओगी। हमेशा मेरे करीब आओगी, हमेशा मेरे करीब आओगी। क्रेविल की इस बात में अलग ही इंटेंसिटी थी। उसने धीरे से अपना फोन उठाया और एक साउंड प्ले किया जिसमें भूत की आवाज थी। ये आवाज जैसे ही कामाक्षी के कानों में पड़ी, उसने ब्लैंकेट हटाया और चिल्ला कर क्रेविल के सीने से लग गई। बचा, बचा, भूत, भूत। कामाक्षी डर गई थी ये साउंड सुनकर, क्योंकि साउंड हॉरर मूवी का था जिसे सुनकर कोई भी आसानी से डर सकता था। क्रेविल के होठों के कोने मुड़ गए। उसने धीरे से कामाक्षी के सर पर हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्यों एंजल, क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है? अब कामाक्षी के कानों में क्रेविल की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर कामाक्षी थोड़ा सा रिलैक्स हुई। उसने हल्का सा अपना सर क्रेविल के सीने में से निकाला और धीरे से उसको देखकर नम आंखों के साथ बोली, भूत रहता है आपके घर में? आप भूतों के साथ रहते हैं? मुझे तो पहले ही लगा था कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इतना कहकर कामाक्षी रोने लगी। वो किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी और क्रेविल उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। वो उसके अंदर खोता जा रहा था। कामाक्षी रो ही रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि क्रेविल का चेहरा उसके चेहरे की तरफ बढ़ रहा है। क्रेविल ने उसकी चिन को पकड़ा और अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होठ धीरे से रख दिए। कामाक्षी इस किस्से पूरी तरह से पिघल गई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका हाथ खुद ब खुद क्रेविल की गर्दन पर पहुंच गया और क्रेविल का हाथ कामाक्षी के चेहरे पर था, जिससे वो धीरे धीरे कामाक्षी के चेहरे को सहला रहा था। कामाक्षी ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। वो इस वक्त क्रेविल के किस को खो रही थी। क्रेविल के होठ धीरे धीरे कामाक्षी के होठों को सॉफ्ट किस कर रहे थे। उसकी किस कब सॉफ्ट से डीप किस में बदल गई, ये पता ही नहीं चला। कामाक्षी धीरे धीरे उसके किस का जवाब दे रही थी। उसके आंसू उसके गालों से होते हुए क्रेविल के हाथ पर गिर पड़े। कामाक्षी को किस करते करते क्रेविल ने उसे बेड पर लिटा दिया। अब क्रेविल कामाक्षी के ऊपर आ चुका था। क्रेविल की मदहोशी कामाक्षी को अपने आप में खोने पर मजबूर कर रही थी। उसका एक हाथ से अब ब्लैंकेट जकड़ा हुआ था तो दूसरा हाथ क्रेविल की गर्दन पर था। वो धीरे धीरे क्रेविल की गर्दन को रब करते हुए उसके बालों को सहला रही थी, जिसे क्रेविल और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। कुछ ही देर में क्रेविल ने कामाक्षी के होठों को छोड़ दिया और अब
धीरे से उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगा, जिसे महसूस कर कामाक्षी की सांसें और भी ज्यादा भारी होने लगी। उसकी भारी सांसों को क्रेविल अच्छे से सुन पा रहा था। उसकी बढ़ती हुई धड़कनें क्रेविल को उत्तेजित होने पर मजबूर कर रही थी। क्रेविल धीरे धीरे कामाक्षी की गर्दन पर किस करता हुआ नीचे की तरफ बढ़ रहा था। वो कामाक्षी की क्लीवेज पर अपने होंठ रखकर धीरे धीरे बाइट करने लगा। उसके बाइट कामाक्षी के लिए एक मीठे दर्द का एहसास करा रही थी। कामाक्षी किसमें खोती गई। क्रेविल ने धीरे से कामाक्षी की शर्ट को उससे अलग कर दिया और कामाक्षी को पता भी नहीं चला। कामाक्षी की खूबसूरत बॉडी क्रेविल के सामने थी, जिसे क्रेविल ने देखकर अपनी आंखें बंद की और धीरे से अपने मन में बोला, ब्यूटीफुल, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। इतना कहकर उसने कामाक्षी के पेट पर अपने होंठ रखे। कामाक्षी इस वक्त अपने होश खो बैठी थी। वो सिर्फ और सिर्फ क्रेविल की फ्रेग्रेंस को अपने अंदर समाना चाहती थी। क्रेविल की ये फ्रेग्रेंस कामाक्षी के लिए बहुत ही अलग और एक नया एहसास था, जो कामाक्षी ने आज तक नहीं महसूस किया। इसलिए उसे ये एहसास बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। वो इस एहसास को अब बार बार जीना चाहती थी। उसके हाथ क्रेविल की बालों में थे, जो धीरे धीरे क्रेविल के बालों को सहला रहे थे। क्रेविल ने कामाक्षी की बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस किया और अपने मन में बोला, तुम्हें भी मेरी तरह मुझे पाने की शिद्दत है। मुझे बहुत खुशी हुई ये बात जानकर। इतना कहकर उसने कामाक्षी के बदन पर अपने होंठ चलाने शुरू कर दिए। कामाक्षी धीरे धीरे आहें भरते हुए क्रेविल को महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में कमरे का माहौल बेपनाह मदहोशी से भर चुका था। कामाक्षी की हल्की हल्की चीखें और उनमें मिली हुई आहें क्रेविल को और भी ज्यादा उत्तेजित कर रही थी। क्रेविल और वाइल्ड हो चुका था और कामाक्षी उसके सॉफ्ट होने का इंतजार कर रही थी। मगर क्रेविल कहाँ रुकने वाला था, उसे तो वही करना था जो उसकी मर्जी थी। कामाक्षी की हल्की हल्की चीखें कमरे के माहौल की मदहोशी को बढ़ा रही थी। आज दो दिल एक हो चुके थे। मासूम कामाक्षी और बेदर्द क्रेविल दोनों ही एक दूसरे के बन चुके थे। सुबह की सूरज की किरणें जैसे ही क्रेविल के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें खुल गईं। उसने आंखें खोलते ही सबसे पहले सामने वॉच को देखा, जिसमें 9 बज रहे थे। क्रेविल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि क्रेविल हमेशा सुबह के 5 बजे उठ जाता था। क्रेविल ने अपने सर पर हाथ रखा और उठते हुए खुद से ही बोला, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता हूँ। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ, जिसे महसूस कर उसके होठों के कोने मुड़ गए। उसने कामाक्षी की तरफ पलट कर कामाक्षी को देखा, जो इस वक्त बिखरे हुए बालों में सुकून से सो रही थी। उसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रहे थे। कामाक्षी के बालों को धीरे से क्रेविल ने अपने हाथ से ऊपर किया और बोला, तो मेरे सुकून की वजह तुम हो एंजेल। तुम मेरी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रही हो, मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बदल दूंगा, इससे पहले कि तुम मुझे बदलो। इतना कहकर क्रेविल ने कामाक्षी के बालों को सहलाया। कामाक्षी, जो अभी गहरी नींद में थी, उसे पता ही नहीं था कि वो इस वक्त क्रेविल के कितने ज्यादा करीब सो रही है। क्रेविल धीरे से उठा और उठकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद क्रेविल जब वापस आया, तो उसने एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक लोअर पहना हुआ था। उसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर पानी की बूंद को टपका रहे थे, जिससे वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। क्रेविल धीरे से कामाक्षी के करीब आया, जो बेड पर उल्टी होकर सो रही थी। कामाक्षी के आधे बदन पर ब्लैंकेट था और उसका आधा पेट खुला हुआ था, जो क्रेविल को अपनी तरफ खींच रहा था। क्रेविल ने धीरे से कामाक्षी की गर्दन पर अपने होंठ रखे और बोला, अभी मुझे काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम उठोगी और मुझे अपने पास नहीं पाओगी,
ये तो गलत होगा ना, इसीलिए मुझे तुम्हें उठाना ही होगा। इतना कहकर ट्रेविल ने धीरे से कामाक्षी की गर्दन पर बाइट किया, जिससे गहरी नींद में सोई हुई कामाक्षी एकदम से कसमसा उठी। उसने कसमसा कर धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही क्रेविल को अपने सामने देखा, वो हल्की सी हैरान हुई। मगर फिर उसे क्रेविल का चेहरा देखते ही रात की सारी बातें एक एक करके याद आने लगी, जिसे महसूस कर उसके गाल जलने लगे और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया, जिसे देखकर क्रेविल मुस्कुरा दिया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए मॉन्स्टर पेनफुल लव का नेक्स्ट एपिसोड हमारे YouTube चैनल कहकशा FM पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।